बसें हर तरफ, आवाम हर तरफ, खाना पीना रहना सहना हर तरफ, मौज मस्ती हर तरफ। ये वो लोग हैं जो सारा साल इंतजार करते हैं कि लाल का मेला आएगा और हम जाएंगे। कुछ लोग सारा साल पैसे जमा करते हैं, फिर जब शाबान का चांद चढ़ता है तो लोग तैयारी पकड़ना शुरू करते हैं और दूर दराज से जैसे जैसे जितना दूर से आते हैं उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं और 15 शाबान पर वो अपने घरों से निकलना शुरू कर देते हैं ताकि 18 शाबान से पहले पहले वो लाल के दर पर आ जाए और कोई मुनासिब सी जगह ले लें। जिनका काफ़ी या काफला या जिनके जगहें यहाँ पे मुख्तस हैं वो तो आएंगे अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बहुत से लोगों ने किराए के घर लिए होते हैं, हवेलियाँ ली होती हैं, बहुत से लोगों ने कई सालों से एक जगह मुख्तस की होती है, उसका वो पे कुछ करते हैं या यहाँ के जानने वालों के साथ वो मिलकर रहते हैं। तो ये यहाँ की ज़िंदगी है। लाल कितने लोगों को पाल रहा है, कितने लोगों का रिस्क का समा बनता है ज़रिया, ये यहाँ आकर ही पता लग सकता है। एक गधा गाड़ी चलाने वाले से लेकर एक मकान मालिक के तक लोग यहाँ पर इस मेले के 3 से 7 दिन के अंदर कमाते हैं। बसें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, रक्शे चलते हैं, प्राइवेट कन्वेंस चलती है, पेट्रोल का निज़ाम, डीजल का निज़ाम, खाने पीने की चीज़ें अच्छी बुरी सब यहाँ पे चल रही होती है। अच्छी बुरी इसलिए कि रात को मैं पहुँचा और हमने एक 7 अप ली और वो 7 अप 2 नंबर निकली, ना उसमें झाग ना उसमें झाग ना कुछ, फ्रेड वाटर सिर्फ मीठा। तो यहाँ हर रंग मिल रहा है आपको और हर कोई अपने स्टाइल से, ये देखें छोटी सी दुकान बनाकर बैठे हैं, चाय बेच रहे हैं। हजाम के पास रश है, हर जगह आप देखें कहीं ना कहीं हर जो ज़मीन का टुकड़ा जहां इंसान रह सकता है वहां वो रह रहा है, चाहे चादर डालकर, चाहे चारपाई पर, चाहे वो घरों के अंदर रहकर। बच्चे हर जगह तफरी ढूंढ लेते हैं। मैंने आपसे कहा या जो बंदा कमाने के घर से निकला है उसको रिस्क ज़रूर मिलेगा, उसने नियत की और एफर्ट की उसे रिस्क ज़रूर मिलेगा। आप खर्चने के लिए निकले आप खर्चेंगे ज़रूर, जो जिस नियत से निकलेगा उसकी वो नियत पूरी होती है। जी जनाब, अब तो धूप भी अच्छी लग रही है,
कुछ मौसम ही ऐसा है, ये देखें यहाँ कितना कुछ है लोगों के लिए। और लोग खूब आते हैं, यहाँ स्टॉल भी लगाते हैं और इन्हीं स्टॉलों से उन्हीं के इलाकों के लोग खरीदते भी हैं। मांगने वाले, झूमने वाले सब यहाँ पे मौजूद हैं। आसिमलम लाल बाग में घूमते हुए ये भी जरूरी है मेले के दरमियान। अगर ये ना हो तो टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और स्नैपचैट कैसे चलेंगी। तो ये भी एक ज़रूरी है, अब तो लाजिम है। सारे वॉशरूम, ये सारे वॉशरूम बनाए हैं हम के लिए। ये लंगर बन रहा है, बाद में बटेगा। इस तरह की संगतें यहाँ पे मौजूद हैं और हम उन संगतों को ढूंढ रहे हैं जो हमें अक्सर मिलती हैं। ये देखें रोटी, इतनी बड़ी रोटी आपने देखी होगी यकीनन। ये भाई लगे हुए सुबह से, ये खाना पक रही है, लंगर तैयार हो रही है। रोटी पक रही है, खाना किधर है? रोटी पक रही है। अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। मैं आया हूँ लाल शहबाज कलंदर पे, यानी कि लाल शहबाज के उर्स पे आया हूँ। उर्स पे लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, पंजाब इतना क्यों आता है, सिंध इतना क्यों आता है, यहाँ पे लाल बाग में क्या होता है, काफले और काफ़ी इतने लोग यहाँ पे जमा क्यों होते हैं, यहाँ पे ये लोग कितने दिन गुजारते हैं, क्यों करते हैं। आज आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। मलंग क्या होता है, कलंदर क्या होता है, वली क्या होता है और फकीर क्या होता है, गदागर क्या होता है और यहाँ पे लोग सारे क्यों जमा करते हैं। घर से बैठ के बात करने में बहुत आसानी है, यहाँ पे आएं और इतने सारे लोगों का खाना बनाएं। हम बात कर रहे थे एक नायाब आदमी की जो एक नायाब रोटी बनाता है और इतने सारे लोगों के साथ क्यों बनाता है, कहाँ से आया है, क्यों आया है और कितने सालों से आ रहा है, उसी की जुबानी सुनते हैं। अभी मैं आपको परवेज साहब से बात करवाऊंगा और वो कितने सालों से ये रोटी बना रहे हैं, या यहीं बनाते हैं या इसके अलावा भी ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। कब से ये काम कर रहे हो? तकरीबन 10 साल थी। तो यहीं करते हो सिर्फ या? नहीं, उधर ही करते हैं, लइए में करते हो? हाँ। तो वहाँ भी ऐसी बड़े तवे के साथ रोटी बनाते हो? हाँ, वो तो शादियों में बनाता हूँ। शादियों में बनाते हो? हाँ। और यहाँ पर खरैती शादियों में सारा निज़ाम चलता है। और लाल के मेले पर? लाल के मेले पर चलता है। तो ये सिर्फ मेले के यही दिनों में रहते हो या इसके अलावा सब नौरानी तक जाते हो? बस 10 दिनों में थे मेले में रहते हैं। 10 दिन मेले में, यानी कि अभी आए हुए आपको 4-5 दिन हो गए? हाँ, हो गए हैं। मजीद आप 21 तारीख तक रहोगे? अगले हफ्ते तक, यानी जुम्मा ही में समय रहा के तेबू में समय हफ्ते अल बीमार थे। सही, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। तो ये थे परवेज भाई।
जो लहिया से हैं और तकरीबन 10 साल से ये रोटी बना रहे हैं, वहाँ भी शादी ब्याह पे बनाते हैं और यहाँ पर आकर अपना रिस्क कमाते हैं। 10 दिन यहाँ के लोगों की खिदमत करते हैं और मुनासिब दाम पे जो है रोटी इनको प्रोवाइड करते हैं जब चाहते हैं लोग। यानी ये सुबह से बैठते हैं रात तक, ये आधी रात तक चलता रहता है इनका। के दरवेशी आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाह जी, दरवेशी वो ही है जो सच्चा इश्क है। मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पर, बिस्तर भी बड़े हैं यानी कि बेड्स, डॉक्टरों का स्टाफ बैठा हुआ है और मुफ्त कैंप लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद।
हम लोग आए हैं लाल के मेले में, लाल के रंग देखने। मेले में जो है रंग बिखर गए हैं, घूम गए हैं, समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सा जो है वो रंग दिखाऊं और कौन सा नहीं दिखाऊं। मेले में रंग इतने भर गए हैं क्योंकि पूरा साल इंतज़ार करता है लाल। लाल इनका इंतज़ार करता है, ये लाल का इंतज़ार करते हैं। और जब ये यहाँ पे आते हैं तो छोटा गरीब अमीर गरीब कोई भी ऐसा नहीं होता जो यहाँ पे जो है धमाल में ना हो। हर कोई झूम फिरता है, घूम फिरता है और मस्त हो जाता है। और उसके बाद जो होता है वो आप ये देखो, ये क्या होता है। ये एक था मेरा और आपके रंग थे, रंगीन थे, आपके रंग थे, आपकी वीडियो आई। जी हाँ, ये रंग थे, फंगे घूम रहे फिर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बस अब हम रश में हैं और रश में क्या हो रहा है कोई किसी को नहीं पहचान रहा। सब धमाल पे धमाल है, मस्त पे मस्त हैं, घूम रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा बल्कि हर कोई अपने आप को देख रहा है और उस मस्ती में मस्त हो गया है कि आज तक जो है कभी भी इस लाल के मेले में कि मैंने ये देखा हो कि कोई बंदा अमीर या गरीब या कम या ज़्यादा या कम में या छोटे में हो, लेकिन हर बंदा अपने मस्त में है। मस्त क्या करते हैं, ये था मस्त। मस्त क्या होता है, ये कभी दिमाग में आने वाली चीज़ नहीं है, ये हमेशा जो है वो दिलों में आने वाली चीज़ है। कौन आपको बताए, आप हमेशा कहते हो कि यहाँ पे कोई ये करता है वो करता है। अरे भाई, यहाँ के कोई भी बंदा दिल से नहीं आता, हमेशा बुलावे पे आता है, कोशिश भी करता है तो नहीं आता। और वो क्यों आता है, क्या आता है, ये हम आपको बताते हैं कि ये ग्रुप कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम, हम भावलपुर से, भावलपुर में लाल झंडे आ रहे हैं, हम 15-16 साल से आ रहे हैं। कुछ बोलेंगे मेले के बारे में, मेले के अंदर मेला इंशाल्लाह इस दफा बहुत ही आवाम आई है और बहुत दूर दूर से आई है, पता नहीं पूरे पाकिस्तान से आवाम आई है और बहुत ज्यादा रश है आज इधर। आप लोग क्यों आते हो यहाँ पे, यहाँ पे आके सुकून मिलता है हमें। जी हाँ, आपने सुना, ये कहते हैं यहाँ पे आके सुकून मिलता है। क्या ये आप और मैं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी सोच में फंसे रहते हैं और हमेशा सोच से ही बाहर नहीं निकलते और हमेशा जो है अपने आप को ईजी नहीं करते। तो बस ये मेला है, सारे रंग बिखरे हुए हैं और सालों साल लोग इंतज़ार करते हैं यहाँ पे मेले पे, चाहे किसी के पास पैसे हो या ना हो, उनको यहाँ पे खाने को, उनको यहाँ पे रहने को, उनको यहाँ पे पीने को, उनको हर चीज़ की सहूलत होती है। याद रखना कि मलंग जो होता है वो एक दूसरे का ख्याल रखता है, दूर से देखने में करीब से देखने में बहुत फ़र्क होता है। हम आए हैं लाल के मेले पे, हम वो सारे रंग आपको बिखार के देंगे कि जो
लाल ने आज तक छोड़े हुए हैं और उसकी तासीर आज तक छोड़ी हुई है। कितने अमीर आए, कितने सियासी लोग आए, क्या अपनी तासीर छोड़ के गए? नहीं गए। ये जो है मलंग, ये है दरवेश, ये फकीर, ये कलंदर, ये वली अपने जो है वो रंग क्यों छोड़ के जाते हैं? हम दूसरा इंटरव्यू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप? पिशावर से। पिशावर से कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? काफी टाइम से। बहुत टाइम से। अक्सर लोग कहते हैं यहाँ पे लोग क्यों जमा होते हैं, तो बताएं क्यों जमा होते हैं? सैयद का उर्स है, उर्स मुबारक लगा हुए, इसके लिए आते हैं लोग। यहाँ पे आके कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिशावर से हम। कोई मैसेज देंगे लोगों को? नहीं, बस मैसेज यही है कि बस सैयद का दार है, आए यहाँ से कुछ लेके जाएं। बस ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सैयद का घर है, सैयद हमेशा बांटता है, हमेशा यही बांटते हैं और कोई नहीं बांटते। मेरी और आपकी औकात नहीं है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है हमारे भाई पिशावर से आए हुए, और पिशावर के लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये नहीं पता, पंजाब के लोग क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, कौन क्या कर रहा है ये नहीं करता, ये पता है कि लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। क्यों खिंचवा रहे हैं? आप यहाँ पे क्यों आए? क्या आप यहाँ पे क्यों? हम इधर आजादारी के लिए आए हैं। आजादारी क्या है, कहाँ से आए? आजादारी मजलूम है, करबला, सियालकोट से हम आए। आप सियालकोट से? जी। कब से आ रहे हैं? हम तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए। ठीक है, देखे यहाँ पे आजादारी के लिए लोग आते हैं, कोई नात करता है, कोई नोहा करता है, कोई धमाल करता है, कोई भंगड़ा डालता है, कौन क्या करता है कुछ नहीं पता। जी हाँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर, हम मुर्शिद लाल के दीवाने हैं, 15-20 साल से आ रहे हैं। ये कलंदर की बारगाह है, वलियों का है ठिकाना, ये लाल है अली का, देखो अदब से आना। झूले झूले लाल दा मस कलंदर। हर बंदा मुझसे बात करना चाह रहा है, हर बंदा आपको बताना चाह रहा है, किस किस की बात सुनोगे, कब तक सुनोगे, लेकिन अक्कल पे अगर पत्थर पड़ गए तो मेरे अंदर से बात नहीं समझ आएगी। ये मलंग कौन है ये नहीं पता, लेकिन लाल शहबाज सेवन क्या है ये आपको जानने के लिए मेरे चैनल पे आना पड़ेगा। मेरा चैनल आपको हर डिस्कवरी करेगा, चाहे वो दरवेश के बारे में हो, इमामजादों के बारे में हो, चाहे मलंगों के बारे में हो। हम बात कर रहे हैं लाल के मेले की। मेले पूरा रंग भर गया है और समझ नहीं आ रही कि कौन सा रंग कहाँ से स्टार्ट करें। जी हाँ, हम लोग आए हैं भोतले सरकार। भोतले सरकार कौन? यानी के जो लाल शहबाज कलंदर के जो थे, बहुत चहीते थे, उनके करीब के थे, जिन्होंने आज उनकी वो जगह सारी जो है वो कायम दायम रखी। क्योंकि हमेशा शागिर्द जो है वो हमेशा कलंदरों के पास एक खास चाहत में होते हैं। आज इतनी रश है कि भोतले सरकार को जो है वो दिखाने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, जबकि हमेशा वो हमें हाथों हाथ लेते हैं। लोगों का ताना बाना लगा हुआ है, हर कोई जो है वो हाजिरी के लिए आया हुआ है, सब मन्नत मुरादी के लिए आया हुआ है। लोग अपने बात करने के लिए जो है वो चाहते हैं कि मेले के दिन जो है वो अपनी खुशियां बांटें और भोतले सरकार को जो है वो सलाम दें, क्योंकि आज जो भी कुछ है वो इन्हीं की बदौलत है। भोतले सरकार ने यहाँ पर बहुत मेहनत की, लाल शहबाज कलंदर का जो है तख्त हमेशा कायम रखा, तो आज भी है और रहेगा। रश बहुत है, हमारी कोशिश है कि हम आपको कवरेज करवा के दे सकें, लेकिन हमारी कोशिश हो रही है कि हम इस रश में। जी हम लोग हैं भोतले सरकार के दरबार पे, जिस पे जू पे तू लोगों का इतना हजूम लगा हुआ है कि हर बंदा हाजिरी के लिए आया हुआ है। मेरे अंदर से पूरे पाकिस्तान के लोग जो है इस दिन का इंतजार करते हैं और हाजिरी करते हैं, और उनकी शान में हाजिरी देते हैं। जी जी, धक्कों की वजह से हम लोग कवरेज कम कर सके क्योंकि रश बहुत ज्यादा है।
हमने कोशिश की, हम कोशिश करके नाकाम भी हुए और कामयाब भी हुए। और मुझे एक लाल शहबाज कलंदर के जो है नाम का एक नोट मिला, एक बंदे ने रश में से निकल के मुझे वो नोट दिया। मैं बहुत खुद नसीब हूँ कि ये नोट मुझे मिला, नोट मिल गई। ये मुझे भी किस्मत से किसी ने दिया है, मैं ये मुझे किसी ने दिया है जी। हम बात कर रहे थे कि ये मुझे किस्मत से मिला है, कहते हैं कि कोशिश करते रहो, ये अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हम बात करते हैं जो पानी पिला रहे हैं, पानी क्यों पिलाते हैं, कब से पिला रहे हैं, ये हमें आके बताएंगे और हम इनसे पानी जरूर पियेंगे। सर जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल खान। सर कब से पानी पिला रहे हैं? 20 साल के करीब हो गए। सर क्यों पिला रहे हैं? मालिक को ड्यूटी लगाई, ड्यूटी मालिकों ने ड्यूटी लगाई। आप पूछना चाहते वो पूछिए। अक्सर लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, ये इश्क क्या है, ये कलंदरी क्या है, मलंगी क्या है? बिल्कुल इश्क, बिल्कुल बिल्कुल इश्क, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। सबसे बड़ी बात ये हाथ सलामत है, हाथ पैर सलामत है, आंखें सलामत है, और क्या चाहिए। लोग कहते हैं गरीब है, गरीब कहाँ से गरीब है? एक आंख दे दो किसी को, अल्लाह 20,000 रुपए की दे देगा कोई? एक आंख, एक बाजू दे देगा 50,00,000 रुपए का, दे देगा कोई? इसी और लोग कहते हैं हम गरीब, गरीब कहा थे, अल्लाह सबको नवाजा हुआ। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम इधर आते रहेंगे। बेशक खास मैसेज दे। हाँ बिल्कुल आते रहेंगे हम, लाल के दीवाने। मैसेज ये बस जो जो कितना नेक काम कर सकते हो कर लो, अल्लाह की रजा के लिए, मालपुर के लिए। लाल कलंदर का हम सब लोग इंतजार में होते हैं, लाल कलंदर का सब मेला आता है ना, हम सब लोग इंतजार में होते हैं। समझ आ गई है? सब कुछ लाल ने हमारे को दिया है, बच्चे भी दिया है, घर भी दिया है, सब कुछ दिया है लाल कलंदर ने। ये है खिदमतकार, आप हमेशा मुझसे सवाल करते हैं कि वो यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और इन्हीं की जुबानी बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्यों आते हैं। नहीं ये कार्ड है, कार्ड है ये। हाँ आपकी वीडियो आएगी, कार्ड ले लीजिए, एक कार्ड। चैनल जी हाँ, कौन सा चैनल है आप? सूफी चैनल है मेरा। सूफी चैनल कहाँ से? कराची से। जी हाँ, हम मेले की जो है कवरेज करते हैं, लोग अपने दिलों की जज्बाती बातें बताते हैं और बाज दफा जो है सुनने का भी दिल चाहता है और बाज दफा रोने का भी दिल चाहता है और बाज दफा समझ ही नहीं आती कि क्या है। हर बंदे की अपनी दास्तान है, दरवेशी इतनी आसान नहीं है, बाहर से देखने में और अंदर के देखने में फर्क होता है। अक्सर लोगों की जिंदगियों में कहानियां होती हैं उनके अपने रिश्तों के साथ ही होती हैं, और उनके रिश्ते जब तकलीफ देते हैं तो ये सारे बुजुर्ग जो हैं उनको अपने आप समेट लेते हैं। एक बंदा अपने रिश्ते छोड़ के, अपनी ख्वाहिशें छोड़ के यहाँ पे आके दर पे क्यों बैठ जाता है? हर बंदे की कहानी होती है, हर बंदे की एक तकलीफ होती है, और ये लोग उसके दिल में मरहम देते हैं और उसको अपने पास लगाते हैं और फिर उसको इतना अफजल कर देते हैं कि हर बंदा उसको देख के हैरान हो जाता है कि ये आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये शान है लाल शहबाज कलंदर की, ये शान है सारे कलंदरों की, ये शान है वलियों की, औलिया की। हम आए हैं उल्टा किला के पास। हम भी इधर आए हुए हैं, हम भी लाल के दरबार पे हर साल आते हैं। मुझे 30 साल हो गए आते होते, बहुत सुख मिलता है। जब भी याद करो किसी दुख सुख में अल्लाह पाक शफा देता है। देखिए हर बंदा अपने दिल की बात कर रहा है, हर बंदे को आपने लिरिक्स नहीं दिए हुए, देखें ये अपने दिल की बात है। शायद हो सकता है कि आपको भी छू जाए लाल शहबाज कलंदर का मेला। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, आ सकता है आप। चले मेहरबानी जी, यहाँ पे काफी के काफी आए हुए लोग, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो बताते हैं वो कहाँ से आए हैं। बच्चों करो बाबा, कहाँ से जी? कहाँ से आप? लाहौर से। वीडियो कब से आ रहे हैं? तकरीबन 2-4 साल हो गए हैं। क्यों आ रहे हैं? मालकों की बारगाह में ही आ रहे हैं। लोगों को बताएं कि आप यहाँ पे क्यों आते हैं? मालका दिल यही आने, मालका कलंदर बादशाह दी हाजरी देन। क्या आए माता जी? अल्लाह ले, जिला पाक वतन से। तो ये
ये सैयद जलाल उद्दीन सुरख पोश बुखारी सानी हैदर करार ये सैयद ये इमाम नक्की के बेटे हैं इमाम रजा के जी बेशक हम जी उस शरीफ से हम पाक पतन से आए हैं जी उस शरीफ पे होते हैं लोगों को मैसेज देंगे जी मैसेज ये देंगे कि सही लोग इस वजह से आते हैं कि मुर्शिद लाल का फैज मिलता है जो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकल सरकार थे उन्होंने फरमाया था कि मेरे पास कौन आएगा मैं तो पंजाब में हूँगा तो आपने फरमाया था पूरा कराची सिंध आएगा और कलंदर पाक ने फरमाया था कि मैं तो सेवन हूँगा कौन आएगा तो आपने फरमाया कि पूरा पंजाब आएगा इस वजह से आप क्या कहते हो कि फकीरी का इश्क कैसा है पैसे का इश्क ज्यादा अच्छा है या फकीरी का इश्क अच्छा है फकीरी का इश्क अच्छा है फकीरी का इश्क अच्छा है अब आप क्या कहते हो कि फकीरी के इश्क में पैसा भी आ जाता है लेकिन पैसे के इश्क में आपको फकीरी नहीं मिलती आगे चलते हैं बात करते हैं Yeah.